हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉग वीडियो में। और दोस्तों, आज हम लोग की तरफ बहुत ही जोर का बारिश हो रहा है और आज को हम अभी ट्यूशन के लिए रेडी हुए थे बट जा नहीं पाए क्योंकि बारिश ही इतना जोर से हो रहा है कि बाहर निकल ही नहीं सकते अभी। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ से व्यू कि कितना जोर का इधर बारिश हो रहा है। हम लोग यहाँ देखिए, बहुत दिन बाद ये जबरदस्त बारिश हो रहा है। अभी देखिए ऊपर से पाइप से वहाँ पानी गिर रहा है। उधर मेरा साइकिल देखिए वहीं पर छोड़ दिए हैं जो कि अभी बहुत भींग रहा है। अगर ज़्यादा देर तक ऐसे रहेगा तो जंग भी लग सकता है। उधर पापा का बाइक है, बहुत दिन बाद ऐसा बारिश हुआ गाइस। अरे बाप रे, यहाँ से गाइस देखिए पानी आ रहा, पता नहीं किधर से पानी गिर रहा। यहाँ तो पूरा अच्छा, यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक वाला जो ये लाइन गया, यहाँ से पानी आ रहा। यहाँ से देखिए पूरा एकदम यहाँ पे पूरा भीग गया गाइस। देखिए पूरा घर तक इधर पानी जा रहा। चलिए अभी छत आ गए हैं यहाँ से है। देखिए यहाँ भी पूरा पानी जम गया देखिए इधर। और ये सोफा तो कोई काम का नहीं है इसीलिए इसको भीगने दे रहे। यहाँ पे देखिए चारों तरफ इधर भी पानी जम गया है। तो अभी हम यहाँ पे अपना छत आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पे मजा आ रहा है। अभी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और बारिश देखिए बहुत, बिजली भी चमक रहा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए। और अभी भी जितना भी किसान भाई लोग हैं वो तो अभी उनके लिए तो सबसे अच्छा होगा क्योंकि बहुत दिन, मतलब अभी का टाइम में उतना बारिश ही नहीं हो रहा इधर गाइस। सबका खेत उत पूरा सूख गया है। तो इसी तरह से अगर बारिश रहा कंटिन्यू तो इस साल अच्छा खेती होगा। और ऊपर से अभी चावल का दाम बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बढ़ गया अभी खुद। और कर को हम लोग खुद ट्रैक्टर से खेत जुतवाए थे लेकिन कल नहीं जा पाए, इसी कारण से वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए, नहीं तो अपलोड कर देते। खुद हम लोग खेती करते गाइस। और देखिए अभी इस तरह से अगर बारिश हुआ तो इस साल बहुत ज़्यादा खेती हो जाएगा और चावल हम लोग को खरीदना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अभी तो हम लोग को ना चावल पूरा खरीदना पड़ रहा और पूरा महीना में हम लोग कम से कम 4 से 5 हज़ार का चावल ही खरीदते हैं। मतलब तो बहुत दिक्कत है गाइस। भगवान करे बारिश हो जाए ऐसे ही लगातार कंटिन्यूस। अगर 1 घंटा भी ऐसे पड़ता है ना तो काफ़ी हो जाएगा, इनफ है ये। तो चलिए अभी नीचे तरफ जाते हैं। यहाँ पर बिजली भी कड़क रहा देखिए, आप लोग सुन सकते हैं। तो हमको थोड़ा डर भी लग रहा है ब्लॉग बना रहे फिर भी गाइस। आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तो और ज़ोर से बढ़ा दिया देखिए पानी, इधर तो पूरा एकदम यहाँ पे पानी भर गया, छत में पूरा पानी जम गया। ऐसे बारिश हो, भगवान करें सबका भला हो। मेरा मोबाइल भी थोड़ा थोड़ा भींग रहा, मतलब ये स्प्रे जैसे नहीं करते वैसे थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा। तो चलिए मेरा मोबाइल भींग जाएगा फिर ख़राब हो जाएगा, फिर ब्लॉग भी नहीं बना पाएंगे। देखिए यहाँ से छींटा पड़ रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। यहाँ देखिए पानी जम गया है और अभी ये हम लोग का, यहाँ से आप लोग को पूरा नीचे का व्यू दिखाते हैं गाइस। उधर बाउंड्री किया हुआ नहीं है तो ज़्यादा जाएंगे नहीं उधर। देखिए ये काई लगा हुआ है, स्लिप करेंगे तो सीधा नीचे। देखिए ये तालाब यहाँ पे देखिए गाइस पूरा मतलब भर रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए यहाँ से पूरा व्यू हम लोग का, देखिए मतलब पूरा चारों तरफ देखिए पेड़ है, हरियाली हरियाली। देखिए गांव का नज़ारा यहाँ से। तो अभी सोए हुए थे, अभी सो के उठे हैं और बारिश भी देखिए इधर अभी रुक गया है। और जिनके 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 तरफ बारिश हुआ वो कमेंट करके बताएं मुझे। पर ना नल में पानी पूरा टप 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 करके गिर रहा। तो चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा इसको ऑफ कर देते हैं ताकि पानी ना जा पाए, उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे में नल लगाना है अभी, तो इसको पहले बंद करना पड़ेगा। चलिए इसको यहाँ बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बंद कर दिए, लॉक कर दिए हैं। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और वहाँ पे नल लगाना है। यहाँ पर देखिए टप 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 करके पानी गिर रहा है।
इसमें लगाना पड़ेगा नया नल, तो लेके आए हैं, लगा देंगे अभी। तो यहाँ पर पानी खोल दिए हैं ताकि सब नीचे आ जाए और फिर पूरा जब खाली हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे खाली हो रहा है, अब इसमें नया नल लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर खोल दिए हैं, अब इसमें नया नल लगाते हैं। लगाने के लिए ये नल है मेरे पास, और ये इसको कौन क्या बोलते हैं नाम भूल गए, इसको पहले नल में लगाना पड़ेगा ताकि वहां पे टाइट हो सके। तो चलिए इसको लपेटते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये रहा नल और ये टैप, इसको इसमें लगाना पड़ेगा। यहां पर ऐसे तो गाइस अभी SBI का ATM आए हुए हैं और अभी हमको यहाँ पे थोड़ा काम है। तो ये देखिए SBI ATM है यहाँ पर। तो ये रहा ATM कार्ड और पासबुक, अभी जमा करेंगे। यहाँ पे पेमेंट कुछ करना है ऑनलाइन, इसी कारण से अभी आए हुए थे। तो चलिए अभी यहाँ पे जमा कर देते हैं फटाफट से। तो वहाँ पे नल टूट गया था और उसमें पानी आ रहा था, टप 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 टप, बूंद बूंद करके पानी आ रहा था। बहुत दिन हो गया था गाइस, 10-15 दिन से ठीक ही नहीं किए थे। आज टाइम मिला तो आज लगा दिए, और थोड़ा बहुत काम सीख लेना चाहिए, कब जरूरत पड़ेगा। इतना छोटा छोटा काम के लिए मिस्त्री को कभी नहीं बुलाना चाहिए गाइस, क्योंकि इससे खर्चा बहुत बच जाता है ना। अगर यहीं अगर हम मिस्त्री को अभी बुलाते तो कम से कम वो आता 200-250 ले ही लेते हैं लगाने का, नल लाते फिर मतलब अपना चार्ज तो वो 100-150 ले ही लेते हैं। तो चलिए इतना ही आज का वीडियो में, इतना ही खुश था। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल को सपोर्ट करें हमारे। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।